और खबर आपको दें कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का भरपूर जवाब। अमरीकी सदर के बयान पर मेरे दो सवालात हैं, इमरान खान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अमरीकी सदर किस मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचे, और दूसरा सवाल उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया। वजीर आजम रहने के बाद जानता हूँ कि हमारा सबसे महफूज जौहरी कमान एंड कंट्रोल सिस्टम है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का भरपूर रद्द अमल ये सामने आया है। उन्होंने ट्वीट की है और उस ट्वीट में सवाल किया है, अमरीकी सदर किस मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचे हैं, जबकि दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया। अमरीका दुनिया भर में जंगों में मुलवस रहा है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का भरपूर जवाब। अमरीकी सदर के बयान पर मेरे दो सवालात हैं, ऐसा लिखा है इमरान खान ने, और सवाल ये पूछा है कि अमरीकी सदर किस मालूमात की बिना पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचे हैं। वजीर आजम रहने के बाद से जानता हूँ कि हमारा सबसे महफूज जौहरी कमान एंड कंट्रोल सिस्टम है। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया है, और आपको बताएं कि अमरीका दुनिया भर में जंगों में मुलवस रहा, ऐसा ट्वीट किया गया है इमरान खान की जानिब से, और ये भरपूर रद्द अमल सामने आया है साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। सदर बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी जाहिर करता है। हुकूमत का अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक दावे की कलई खुल गई है। क्या ये होती है ताल्लुकात की बहाली? इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट सामने आया, इस हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और खबर आपको दें कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का भरपूर जवाब। अमरीकी सदर के बयान पर मेरे दो सवालात हैं, इमरान खान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अमरीकी सदर किस मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचे, और दूसरा सवाल उन्होंने ये लिखा कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया। वजीर आजम रहने के बाद जानता हूँ कि हमारा सबसे महफूज जौहरी कमान एंड कंट्रोल सिस्टम है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का भरपूर रद्द अमल ये सामने आया है। उन्होंने ट्वीट की है और उस ट्वीट में सवाल किया है, अमरीकी सदर किस मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचे हैं, जबकि दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया। अमरीका दुनिया भर में जंगों में मुलवस रहा है। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर साबिक वजीर आजम इमरान खान का भरपूर जवाब। अमरीकी सदर के बयान पर मेरे दो सवालात हैं, ऐसा लिखा है इमरान खान ने, और सवाल ये पूछा है कि अमरीकी सदर किस मालूमात की बिना पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचे हैं। वजीर आजम रहने के बाद से जानता हूँ कि हमारा सबसे महफूज जौहरी कमान एंड कंट्रोल सिस्टम है। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया है, और आपको बताएं कि अमरीका दुनिया भर में जंगों में मुलवस रहा, ऐसा ट्वीट किया गया है इमरान खान की जानिब से, और ये भरपूर रद्द अमल सामने आया है साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से। सदर बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी जाहिर करता है। हुकूमत का अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक दावे की कलई खुल गई है। क्या ये होती है ताल्लुकात की बहाली? इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट सामने आया, इस हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।